वेलकम बैक इन दिस वीडियो। कल के एक वीडियो में मैंने बताया था कि सक्षमता परीक्षा में 5 चांस देने पर हो रहा विचार। जी हां दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के लिए एक बिग ब्रेकिंग खबर है कि सक्षमता परीक्षा में चांस देने पर हो रहा है विचार। पहले ये 3 मौके निर्धारित थे, क्या है अपडेट आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं अपडेट। इधर विभागीय सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर 3 की बजाय 5 बार देने पर विचार कर रहा है। जी हां दोस्तों, 3 की जगह 5 बार देने का विचार कर रहा है, इस आशय का प्रस्ताव बनाया गया है। इसी संदर्भ में सीतामढ़ी में निरीक्षण के लिए पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि नियोजित शिक्षक प्रतिभाशाली हैं, काफी संख्या में बीपीएससी परीक्षा पास कर विद्यालय अध्यापक बने हैं, इस आशय का प्रस्ताव बनाया गया है। इसी संदर्भ में सीतामढ़ी में निरीक्षण के लिए पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में कहा कि नियोजित शिक्षक प्रतिभाशाली हैं, काफी संख्या में बीपीएससी परीक्षा पास कर विद्यालय अध्यापक बने हैं, उन्हें बस इस नरेटिव धारणा को तोड़ने के लिए परीक्षा करनी है कि नियोजित शिक्षक कम प्रतिभाशाली हैं को तोड़ने के लिए परीक्षा पास करनी है कि नियोजित शिक्षक कम प्रतिभाशाली हैं, बस उन्हें परीक्षा के माध्यम से डेमोस्ट्रेशन देना है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि बस इस नैरेटिव धारणा को तोड़ने के लिए परीक्षा पास करनी है कि नियोजित शिक्षक कम प्रतिभाशाली हैं, बस उन्हें परीक्षा के माध्यम से डेमोस्ट्रेशन देना है। सक्षमता परीक्षा में 5 चांस देने पर हो रहा है विचार। दूसरे अपडेट के बारे में बात की जाए तो सक्षमता परीक्षा के विरोध में 16 तारीख को काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल करेंगे शिक्षक संघ। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के फैसले के खिलाफ सक्षमता परीक्षा 16 फरवरी को काली पट्टी बांधकर गर्दनी बाग में धरना देने की घोषणा की है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि स्थानीय निकाय द्वारा शिक्षक नियुक्ति को बिना परीक्षा लिए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। जी दोस्तों, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सरकार के फैसले के खिलाफ सक्षमता परीक्षा 16 फरवरी को काली पट्टी बांध करके गर्दनी बाग में धरना देने की घोषणा की है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिना परीक्षा लिए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि हमारे सभी 3.5 लाख विभिन्न निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण है, उन्हें किसी भी परीक्षा को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वरीय उपाध्यक्ष नूनू मणि सिंह ने कहा इस लड़ाई में भी शिक्षक जीतेंगे। महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि शिक्षक संघ अगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को उसका हक दिलाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। ताकि हमारे 3.5 लाख नियोजित शिक्षक विभिन्न निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, उन्हें किसी भी परीक्षा को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वरीय उपाध्यक्ष नूनू मणि सिंह ने कहा इस लड़ाई में भी शिक्षक जीतेंगे। महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि शिक्षक संघ नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को उसका हक दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। तो ये था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।